अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्टिस। माय नेम इज़ हाशिम अली। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी जनरल स्ट्रेटजी और जनरल इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ अबाउट यूट्यूब, कि आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन पहले कभी भी नहीं मिली होगी। मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट में जो स्ट्रेटजी है और जो मेथड है उसको मैं आप लोगों को समझाऊँगा, ठीक है। आप लोगों ने समझना है इस चीज़ को, और आप लोग हैरान होंगे ये बात देख के कि आपका जो वॉच टाइम है 4K का, 4000 घंटे का, वो सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी जो लिखी है, अपना जो मेथड है, ये सारा, ठीक है, इन 2 मंथ्स ये सारे का सारा मैं आप लोगों के सामने बयान करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों को मैं मुकम्मल तरीके से समझाऊँगा, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि आपने एक जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उस वीडियो के अंदर आप कहते हैं कि हमारा 4K हॉर्स जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। उसका मेथड ये होगा कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो 4000 घंटे के अंदर हम ले लेते हैं, कुछ लोग इस तरह कर लेते हैं कि जो एक 5 मिनट की वीडियो जो है वो इसको डिवाइड कर लेते हैं 4000 घंटे के साथ, कि अगर वो 4000 घंटे के साथ डिवाइड करेंगे तो उनके पास आ जाएगा 48,000 व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब वो कितनी बेवकूफ़ी करते हैं कि वो 5 मिनट की वीडियो ही बनाते हैं और 5 मिनट की वीडियो को उनसे कंबाइन कर देते हैं। हमने इस तरह नहीं करना। सबसे पहले हमने देखना कि हमारे पास जो वीडियो है, हमारे पास जो कंटेंट है, हमारे पास जो हर चीज़ के अंदर मटेरियल है, वो टोटल 5 मिनट में कम्प्लीट हो रहा है। उस 5 मिनट को हमने हाफ पे डिवाइड कर लेना है। हाफ पे डिवाइड करेंगे तो वो 2.5 मिनट्स की हो जाएगी, ठीक है, यानी 2.5 मिनट की हो जाएगी, 2 मिनट 30 सेकंड की। अब 2 मिनट 30 सेकंड को हम 4000 घंटों के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे 96,000 व्यूज़, यानी कि 1,00,000 व्यूज़ तक हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब वो 1,00,000 व्यूज़ हमने कहाँ से लेकर आने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने वीडियो का कंटेंट इस तरह का रखना है कि आप लोगों की तरफ सब लोग अट्रैक्ट हों, ठीक है। अट्रैक्ट होंगे तो खुद ब खुद आपकी जो वीडियोज़ है वो रैंकिंग पर जाती जाएगी। इस पर मैं आप लोगों को 5 चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ तो कंटेंट हो गया कि आपने बेहतरीन बनाना है उस ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, देखें। दूसरी चीज़ आपका ये चीज़ आ जाती है, आप अपने YT स्टूडियो में जाके देख सकते हैं कि आपको जो 4K हॉर्स यानी कि 4000 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं उनको देखने, उनके अंदर जो हमारे फीचर्स आ जाते हैं उनके अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर होता है आपका सर्च फीचर, जो हमारा 33% तक मुकम्मल काम करता है और सबसे ज़्यादा वर्किंग भी उसी पे होती है कि आप YouTube पे जाते हैं और अपनी वीडियो को सर्च करवाते हैं या किसी से सर्च करवाते हैं। तो उसके बाद दूसरा फीचर जो होता है वो सजेशन वीडियोज़ का होता है, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो ब्रूज़ फीचर का होता है। सजेशन वीडियोस और ब्रूज़ फीचर्स ये तो एक ऐसी चीज़ है, ये किस्मत वाले लोगों को मिलती है, जिनको ये मिलती है वो ग्रो कर देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ जो यूट्यूब की एल्गोरिथम होती है वो सिलेक्ट करती है किसी की भी वीडियो को वायरल में, अगर ब्रूज़ फीचर में लाना होता है उन्होंने या सजेशन वीडियोस में लाना होता है, वो उसका एल्गोरिथम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने इसके एल्गोरिथम को हैक कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा पीछे भी लीक्स हुई थी खबरें, मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ का दावा किया था, लेकिन इस तरह होता नहीं। वो जिस तरह है कि उसकी कोई ना कोई एक आधी वीडियो जो है वो एल्गोरिथम में फंस गई है और वो चलती जा रही है बस। नंबर थ्री के अंदर आपने अपना जो चैनल है उसका सर्च हिस्ट्री में फर्स्ट पेज की सेटिंग इस तरह की करनी है कि आप लोगों का जो पेज का नाम सर्च किया जाए तो वो वहाँ पर आ जाए, और आप लोगों ने उसमें वीडियो लॉन्ग बनानी है, थोड़ी लंबी बनानी है। ये नहीं कि अगर आपने 5 मिनट की, 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो बना दी है तो ऐसे बस बोलते जा रहे हैं, अगले बंदे को समझ नहीं आ रही, देखने वाला परेशान हो रहा है कि यार इसकी वीडियो को स्किप करो,
छोड़ो, रहने दो, इस तरह नहीं करना। आपकी वीडियो सच में मुबनी होनी चाहिए, एक इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पे आप लोगों को उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए जिस चीज़ के बारे में आप समझा रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आप अपने वीडियो के अंदर कंटेंट तो अच्छा बना लेते हैं, थंबनेल भी अच्छा रख लेते हैं, नाम भी अच्छा रख लेते हैं, लेकिन उस वीडियो के अंदर मटेरियल बहुत कम होता है। उस मटेरियल बहुत कम होने की वजह से, इन्फॉर्मेशन बहुत कम होने की वजह से लोग उसको वीडियो को स्किप कर देते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग, कुछ लोग समझते हैं कि हम पहले 10 सेकंड में क्या है, हम अपना इंट्रो लगा देते हैं, अगले 10 सेकंड में कोई क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अगले 10 सेकंड में यानी कि 30-35 सेकंड ना इस तरह ज़ाया कर देते हैं। तो आप अपने YT स्टूडियो में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर वॉच टाइम का ऑप्शन आता है, कि आपकी जो वीडियोज़ हैं, वीडियो जिस किसी भी वीडियो पर क्लिक कर लें कि उसके जो पहले 10-20 सेकंड होते हैं जहाँ पर आपने इंट्रो लगाया होता है, वो बिल्कुल स्किप कर देते हैं, डबल टैप करके स्किप कर देते हैं। तो उस तरह वो, अगर आपकी 5 मिनट की वीडियो है तो उसमें से 10 सेकंड तो हो गए, ठीक है। इस तरह आप इंट्रोडक्शन करते हैं 10-15 सेकंड का, 25 सेकंड, 30 सेकंड, तो इस तरह आपके वो स्किप कर देते हैं, वो किसी काम के नहीं आते अगर 5 मिनट की वीडियो है तो, ठीक है। उसके अलावा जो मेन चीज़ इसके अंदर ये आ जाती है कि आपने जो वीडियो बनानी है, जो कंटेंट बनाना है, वो आप पहले सर्च करें, ठीक है। सर्च करने के बाद आप देखें कि हमारे पास कौन सी जो वीडियोज़ हैं आपके सामने आ जाती हैं और उस पर व्यूज़ कितने हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कंटेंट होते हैं और ज़्यादातर जो व्यूज़ होते हैं उनके सर पे ही वीडियोस बनाई जाती हैं। जो चैनल वाले होते हैं वो पिछले वीडियोस का कंटेंट और व्यूज़ को मद्देनज़र रख के अगली वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि जिस तरह हम यहाँ पे एक कोई भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। सर्च करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी वीडियोज़ आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस पे हैं और उसका थंबनेल देखना है। आपने उस लिहाज से अपनी वीडियो का टॉपिक रख लेना है, क्योंकि जो यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। जो बड़े यूट्यूबर्स को हम भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने बनाई है, हम चूँकि उनको देख के या किसी चीज़ को देख के या किसी जगह से इंफॉर्मेशन लेके तो हम वीडियो बनाते हैं उसको, अगले हम आप लोगों तक, जिस तरह मेरी वीडियो आ रही है, इस चैनल की टैक्टिस की वीडियो आ रही हैं, उसमें इंफॉर्मेशन है, वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस लिहाज से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए पहले उस चीज़ को सर्च करें। सर्च करने के बाद उसका जो टाइटल है, टाइटल टैग्स जो है, वो टाइटल टैग्स देखें और अपनी वीडियोस में लगाएं। टाइटल टैग्स तकरीबन सब लोगों को पता है किस तरह लगाते हैं, और नीचे ऑप्शन देता है जब हम वीडियो अपलोड करते हैं। उसके अलावा नीचे दो लाइंस, जब हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो दो लाइंस में आपका जो टाइटल टैग होता है या जो टाइटल होता है उसको लाजम लिखें, ठीक है। या आप इस तरह कर सकते हैं कि किसी भी किस्म की वीडियो जो आपने कॉपी की है या जो आपने उसका कंटेंट जो है वो तो अपना ही होगा आपका, लेकिन जो आपने उसकी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसकी जो दो फर्स्ट लाइंस है या डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी करके अगर आप अपनी डिस्क्रिप्शन में भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो इसका भी कोई इशू नहीं होगा। इस तरह ये होगा कि अगर आप अपना डिस्क्रिप्शन चेंज करते जाएँ तो आप देखते हैं कि अगर उसकी वजह से आपका जो है वीडियो जो है आपकी वो टॉप 10 से टॉप 20 तक आ रही है, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन को कंटिन्यू रखें, उसको अगर चेंज करना चाहें तो करें। इस तरह आपकी वीडियोज़ आहिस्ता आहिस्ता टॉप पे आती जाएंगी। जब आपकी वीडियोज़ टॉप पे आएंगी, आपको व्यूज़ मिलेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली वॉच टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पांचवी और लास्ट सबसे अहम चीज़ कि आप लोगों ने जो थंबनेल बनाया होता है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, इतना ज़बरदस्त होता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अब आपने वो नहीं बनाना, ठीक है। क्योंकि थंबनेल बनाने का जो अपना होता है अट्रैक्टिव होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो यूट्यूब के ऊपर जिस बंदे ने अब एक हमारे पास वीडियो हम देखते हैं कोई भी किसी भी बड़े यूट्यूबर की, उसने कॉन्टैक्ट जो है बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, लेकिन उसका थंबनेल जो है जो उसने बनाया हुआ है, हमने उस थंबनेल से बेहतर थंबनेल देना है, ठीक है। उस थंबनेल से बेहतर जब थंबनेल देंगे तो हमारी तरफ खुद ब खुद व्यूवर्स अट्रैक्ट करेंगे। जब यूट्यूब की तरफ से हमारे पास यूनिक व्यूवर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो मैं वॉच टाइम की
कोई परेशानी नहीं होगी और सिर्फ 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने रजिस्टर पहले इसलिए दिखाया था, मैंने यही सारी चीज़ें उसमें पहले लिखी हैं और मेरी 2 वीडियोस इसी तरह टॉप 10 के अंदर आ रही हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी इसके दिखा दूंगा। बाकी अगर आप लोगों को समझ ना आई हो या वीडियो अच्छी ना लगी हो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छी ना लगी हो तो नीचे डिसलाइक का ऑप्शन भी है और नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किस जगह पे मैंने मिसिंग की है और किस जगह पे मिसिंग नहीं हुई, तो मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बेहतर करूँगा आप लोगों के लिए। और मुझे बताया करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँगा, इंशाल्लाह उस टॉपिक पर बनाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह।